नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। फिल्मी दुनिया के कुछ ऐसे विलन हैं जिनके नाम पर आज भी पहले के दशक की पूरी फिल्म कहानी दिमाग में घूम जाती है। ये ऐसे कलाकार होते थे जो अपनी कला से निर्देशकों को मजबूर कर देते थे कि वो अपनी फिल्म में किसी और को विलन बनाने के बजाय उनका नाम सबसे पहले रखें। ऐसे ही नाम में शामिल थे रामी रेड्डी। विलन का रोल निभाने में तो इनका तोड़ लाना बहुत मुश्किल था। लाल आंखें देखकर ही रूह कांप उठती थी। आज हम इन्हीं बहुचर्चित रामी रेड्डी के बारे में कुछ अनसुने तथ्यों के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। रामी रेड्डी बॉलीवुड में एक दौर में फिल्मों में जाना पहचाना चेहरा हुआ करते थे। फिल्मों में इनके सीन बिल्कुल डरा देने वाले हुआ करते थे। इन्हें दहशत का दूसरा नाम कहा जाता था। इस विलेन ने पर्दे पर खूब डराया, पर जब जीवन का आखिरी दौर चल रहा था उस वक्त कोई इन्हें देखता तो इनको पहचान भी नहीं पाता। इनकी शक्ल काफी हद तक बदल गई थी। रामी रेड्डी का पूरा नाम गंगा सामी रामी रेड्डी था। पहले उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की और पत्रकार बन गए, फिर फिल्मों की तरफ इनके रुझान ने फिल्मी दुनिया में इन्हें भेज दिया। 70 से 90 के दशक में ये वो दौर था जब एक विलेन को विलेन की तरह लगना सबसे जरूरी हुआ करता था। इन दशकों में ज्यादातर फिल्मों में विलेन के किरदार का महज एक ही काम हुआ करता था, जिसमें एक हैवान सा आदमी अपनी हरकतों से हीरो और हीरोइनों पर हावी हुआ करता था। इस किरदार के लिए रामी रेड्डी बिल्कुल फिट बैठते थे। जो पहला रोल उन्हें मिला उसी फिल्म में उन्होंने झंडे गाड़ दिए थे, और फिर बस क्या था, निर्देशकों की पसंद सबसे पहले रामी रेड्डी बनने लगे थे। साल 1989 की तेलुगु एक्शन फिल्म अंकुशम में उन्हें मैन विलन का किरदार मिला, जिसका नाम था स्पॉट नागा। आपको बता दें कि ये वही फिल्म थी जिसने तेलुगु सुपरस्टार राजशेखर के करियर को आसमान पर पहुंचा दिया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर आग लगाई। जितनी शिद्दत से हीरो ने रोल किया उतनी ही शिद्दत से विलेन का भी रोल था। इस फिल्म की सफलता के पीछे जितना अभिनेता राजशेखर का हाथ था उतनी ही फिल्म के विलेन रामी रेड्डी का भी हाथ था। उनके अभिनय ने दर्शकों का मन मोह लिया था। रामी रेड्डी की जब एंट्री होती थी तो उनकी डरावनी शक्ल को देखकर सभी सिहर उठते थे। डरावने चेहरे और अदाकारी की वजह से लोग थिएटर तक खींचे चले आते थे। फिल्म इतनी सफल हुई कि बाद में इस फिल्म की हिंदी, तमिल और कन्नड़ में रीमेक भी बनी। हर रीमेक फिल्म में अभिनेता तो बदल दिया गया मगर विलेन वही रहा। तो भाई कुछ ऐसा जलवा था अभिनय का जो रामी रेड्डी ने निभाया था। इन्होंने कई बड़े मशहूर अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की और खूब नाम कमाया। ऐसी अदाकारी और सफलता का दौर चल ही रहा था कि रामी रेड्डी को एक बीमारी ने अपने कब्जे में कर लिया। उनकी बीमारी भी ऐसी थी जिसने उनको पहचान के काबिल भी नहीं छोड़ा था। पहले उन्हें लीवर का कैंसर हुआ तो उन्होंने अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वो कहीं भी नहीं जाते थे, लोगों से मिलते जुलते भी बहुत कम थे। लीवर की बीमारी के कारण किडनी में खराबी आई, जिसके बाद उनकी तबीयत बड़ी तेजी से गिरनी शुरू हो गई। जीवन के आखिरी दौर में जब रामी रेड्डी एक तेलुगु अवार्ड शो में पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी दंग रह गए। वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये दुबला पतला सा दिखने वाला आदमी एक समय का खतरनाक विलेन रामी रेड्डी है। अपने अंतिम समय में रामी रेड्डी महज हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। इस तरह से एक बीमारी ने उनकी पूरी पहचान छीन ली थी, पर फिल्मी करियर में उन्होंने खूब कीर्तिमान हासिल की। ये थी मशहूर फिल्मी विलेन रामी रेड्डी की वो कहानी जिसमें एक बीमारी ने उनके चेहरे को पूरी तरह से बदल डाला था। इसी तरह हम फिल्मी दुनिया के ढेरों अनसुने किस्सों के साथ हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए मुझे यानी गरिमा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।